हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं मांगुर मछली की सब्जी की रेसिपी। दोस्तों, इस मांगुर मछली को आप देख सकते हैं, हमने इसे बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है और ये 250 ग्राम है। दोस्तों, इसका कीमत बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसे खाने से हमारे रक्त ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इस मछली को खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला हुआ है, थोड़ी सी नमक डाल दें और अच्छी तरह से हाथों से मिलाते हुए मसल लें। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और फ्लेम को थोड़ी सी लो कर दें और यहाँ पर हम एक एक करके मछली को डालते जाएंगे। दोस्तों, जब आप तेल में मछली डालेंगे तो ज़रूर से आप फ्लेम को लो कर दें, क्योंकि तेल अगर आपके ऊपर गिर जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, इसलिए जब आप सारी मछली को डाल देंगे तब आप फ्लेम को मीडियम से हाई में रख सकते हैं। दोस्तों, मछली को हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब ये मछलियाँ फ्राई हो जाए तो बाकी मछलियों को भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। दोस्तों, मछली को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये कुछ ही टाइम में, मान लीजिए आप इसे फ्राई करने में करीब 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं हमने सारी मछलियों को लाल होने तक भून लिया है। दोस्तों, इसी तरह अभी लाल होने तक भून लें और इन सबको निकाल लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में ले लेते हैं सरसों। यहाँ पर मैंने काली सरसों लिया है 2 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब जीरा। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च डाले हुए हैं। दोस्तों, तीखे के अनुसार इसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 10 से 8 हमने लहसुन के कलिए डाले हैं और 1 बड़ी साइज़ के प्याज ले रहे हैं। इसे हम मोटी मोटी काट के डाल सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएंगे। दोस्तों, थोड़े थोड़े पानी डाल के चलिए इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। दोस्तों, अब सब्जी हम सेम उसी कढ़ाई में बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगे तेल थोड़ी ज़्यादा है, तेल आप कम कर सकते हैं, हमने भी थोड़ी सी तेल कम कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ लहसुन को लाल होने तक फ्राई कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने लहसुन इसलिए डाले हैं क्योंकि इस मछली में थोड़ी स्मेल होती है, तो इसीलिए हमने लहसुन को डाल लिया है। और यहाँ पर हमने जो पेस्ट बनाए थे मसालों के, उन्हें डाल देंगे और मसालों को हम अच्छे से चलाते हुए पका लेते हैं। मसालों में हम हल्दी पाउडर डालेंगे छोटी चम्मच से, 1 चम्मच के करीब, और इन मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे जिससे हमारा मसाला जो है अच्छे से पक जाएंगे और अच्छे से भून भी जाएंगे। दोस्तों, जब मसाले हमारे अच्छे से सूख जाएँ तो यहाँ पर हम थोड़ी सी पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। उसके बाद हमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 ग्लास के करीब पानी डाला हुआ है, आप चाहे तो पानी का क्वांटिटी बढ़ा या घटा भी सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से उबालने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये उबाल जाता है तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे सब्जी में उबाल आ गया है, तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब नमक डाला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भुने हुए हैं मछलियाँ उन्हें डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से ढक के उबाल लेते हैं। दोस्तों, ये अच्छे से उबल गए हैं, आप देख सकते हैं। हमने इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से मसाले के साथ उबल गए हैं। तो यहाँ पर हम धनिया के पत्ते ऊपर से छीट देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप सूखा मसाला भी डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो। दोस्तों, हमारा सब्जी बनकर तैयार है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही
रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।